हेलो फ्रेंड्स, तो लास्ट वीडियो में हमने एलिमिनेट थीटा, वो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था, उसे देख लिया था। आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और हो सके तो और भी कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। तो इन सारे क्वेश्चन को समझने के लिए बने रहे वीडियो के एंड तक। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो मैं नौशाद स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्नोमैटिक्स पर। चलो बढ़ते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसे लिख लेते हैं। इफ 2 sin² θ + 3 sin θ = 0, 2 sin² θ + 3 sin θ = 0। और हमें क्या बोला है, फाइंड द परमिसिबल वैल्यू ऑफ cos थीटा। हमें क्या करना है, cos थीटा की वैल्यू फाइंड करना है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले देखने क्या दिया हुआ है, समझ लो यहाँ पे cos होता, cos² θ होता, तो हम लोग क्या करते हैं, सारे के सारे टर्म को एक जैसा कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, दोनों भी हमारे साइन में, तो हम लोग कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप जरा देखेंगे, ध्यान से देखोगे ना, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जैसा दिख रहा है। तो उसमें हम लोग क्या करते थे, हम लोग दो वैल्यू मिलते थे, तो हम लोग यहाँ पर उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। एक तो हम लोग फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, -b + √b² - 4ac² / 2a, या फिर डायरेक्टली भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे, मैं यहाँ पर एक काम कर सकते, देखो दोनों में साइन साइन कॉमन आ रहा है, तो मैं साइन को कॉमन निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या बचेगा, साइन थीटा, यहाँ पे साइन कॉमन आएगा पहले वाले में से, तो इधर पे 2 sin θ बचेगा, यहाँ पे साइन कॉमन आएगा, इधर पे सिर्फ 3 बचेगा। यहाँ तक क्लियर है? अब साइन थीटा दोनों भी इक्वल टू जीरो में ऐसे लिख सकते हैं, मैंने क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा हुआ है, वहां पे मैं कभी भी दोनों को इक्वल टू जीरो करके लिख सकता था। तो ये तो इक्वल टू जीरो का, चलो एक आंसर इसको पकड़ के चलते हैं, दूसरा इसको निकालते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा इस साइड जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, -3, और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो वो यहाँ पे क्या जाएगा, डिवाइड में, तो -3/2 दैट इज -1.5। अब साइन थीटा के तो दो वैल्यू हो गए, तो दोनों कंसीडर करना है कि नहीं, तो वो हम लोग कैसे समझेगा, हमारा डोमेन और रेंज आपने पढ़ा रहेगा, उससे समझ में आ जाएगा। तो साइन का जो रेंज होता था, देखो कैसे ग्राफ इसका याद करो, कुछ इस तरीके से होता था। तो साइन का जब भी हम लोग मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या होता था, मैक्सिमम वैल्यू उसका +1 में होता था और मिनिमम वैल्यू -1, और इसके बीच में साइन की पूरी वैल्यू लाई करिए, यहाँ पे इसके बीच में लाई करिए, उसके ऊपर या उसके नीचे चला गया तो हमारा वैल्यू नहीं आता था। तो इसका रेंज क्या होता था, रेंज फॉर साइन क्या होता था, माइनस, ये है ना स्क्वायर ब्रैकेट होता था, -1 से 1। इसका मतलब क्या, हमारा जो साइन थीटा है वो किधर से किधर तक लाई करता है, -1 से लेकर 1 के बीच में। तो यहाँ पर हमारा ये वाला वैल्यू हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, तो ये नॉट इक्वल टू हो जाएगा, इसका मतलब क्या, साइन थीटा इक्वल टू 0 आ गया। हमें फाइंड क्या करना है, कॉस थीटा फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, कॉस थीटा, वो कैसे निकलेगा, हाँ हमें हमारा आइडेंटिटीज का फॉर्मूला पता है, यूजिंग sin² θ + cos² θ = 1। sin² θ की वैल्यू, साइन की जगह क्या आ जाएगा, 0, यहाँ पे हम लोगों ने जस्ट देखा 0 आ गया, 0 का स्क्वायर cos² θ = 1। 0 का स्क्वायर 0 होता है, तो ये वाला टर्म मेरा डायरेक्टली गायब हो जाएगा, प्लस वाला ऐड करेंगे तो भी सेम टर्म मिलेगा। अब cos इस साइड स्क्वायर रूट भेजेगा तो क्या करेगा, हमें दो वैल्यू मिलेगी, एक प्लस में एक माइनस में, तो हमारी cos थीटा की वैल्यू क्या मिली, +-1, ये हमारे परमिसिबल वैल्यू है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे। तो यहाँ पर ज़्यादा ध्यान दोगे ना, इस क्वेश्चन में हमारा एक थर्ड टर्म नहीं था, यहाँ पर एक और टर्म आ रहा जो क्या है, हमारा कॉन्स्टेंट 5 वाला टर्म। तो इसको कैसे सॉल्व करना, जरा ध्यान देना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जैसे सॉल्व करते हैं ना अपन फैक्टराइज मेथड से, इसको भी वैसे ही सॉल्व करना है। सिंपल है, सबसे पहले जो दिया हुआ उसे लिख लो, और यहाँ पर भी सेम बोला है, फाइंड द परमिसिबल वैल्यू ऑफ cos थीटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारा जो पहला टर्म है, ये इसको x पकड़ो, x के साथ क्या एक कांस्टेंट है, जब भी कांस्टेंट होता है उसको हम लोग लास्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते थे, जो 5 है हमारा, और उसको यहाँ पे लिखते थे, 2 5 = 10, ठीक है, +10 है। अब हम लोग को इसको ना स्प्लिट करना है 10 को, तो कैसे, पहला टर्म क्या है माइनस, माइनस और प्लस क्या होता है माइनस, द सेकेंड टर्म भी माइनस आएगा, ठीक है। तो हम लोग को दो टर्म ऐसे ढूंढना है जिसका मल्टीप्लीकेशन क्या होता है 10 होता है, और उन दोनों के बीच में हम लोग को एडिशन वाला एक ऑपरेशन परफॉर्म करके हमें -11 लाना है। देखो कैसे, तो हमारे पास देखो 5 2 10 है, हाँ 5 2 10 हो रहा है, लेकिन इन लोग -5 और मैं सपोज -2 ले रहा हूँ, क्योंकि दो टर्म माइनस में आ रहे हैं, -5 -2 क्या होता है -7, मेरा -11 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूंगा, दूसरे के ऊपर जाऊंगा, 10 1 10 होता है, हाँ, और -10 और -11 क्या होता है, -1 क्या होता है -11, -10 और -1 -11, तो मैं कौन से पकड़ूंगा, ये वाला कि ये वाला, इस नीचे वाला, ये नहीं आएगा, तो 10 और 1, सिंपल है, यहाँ तक सिंपल पुट कर दो फटाफट से। तो इसको स्प्लिट करूंगा मैं दो टर्म में, क्या -10 cos θ -1
कॉस थीटा प्लस वाई इक्वल टू जीरो, इधर पे टू कॉस थीटा कॉमन आ जाएगा, कॉस थीटा यहाँ पे जब कॉस थीटा टू कॉस थीटा कॉमन आएगा तो यहाँ पे सिर्फ माइनस वाई बचेगा। सिमिलरली यहाँ पे माइनस वन कॉमन ले रहे हो तो कॉस थीटा माइनस वाई इक्वल टू जीरो, यहाँ तक क्लियर हुआ आपका। अब देखो दोनों में कॉस थीटा माइनस वाई कॉमन आएगा तो कॉस थीटा माइनस वाई कॉमन, जब यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे टू कॉस थीटा बचेगा, यहाँ पे कॉमन निकालेंगे तो वन बचेगा। सिमिलर जहाँ पे हम लोग ने यहाँ पे जो चीज़ देखा वहाँ पे भी यही अप्लाई करना है, कॉस थीटा माइनस वाई इक्वल टू जीरो हो जाएगा, दूसरा कॉस थीटा टू कॉस थीटा माइनस वन इक्वल टू जीरो, यहाँ तक क्लियर है। अब कॉस थीटा इक्वल टू फाइव और टू कॉस थीटा, अब वन को साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा वन, और डिवाइड में टू हो जाएगा तो टू, तो वन बाय टू, दो वैल्यूज मिली। अब इसका रेंज याद करो, सिमिलर है देखो ऐसी वेव होता था लेकिन यहाँ पर इसका एक्सिस मतलब ये है ना, मैक्सिमम जो होता था वो जीरो पे होता था, मतलब हमारा कॉस का जो वेव होता था ना ये ऐसा आता था, यहाँ पर मैक्सिमम मतलब जीरो पे मैक्सिमम है और उसकी मैक्सिमम वैल्यू माइनस वन सॉरी प्लस वन ऊपर और नीचे क्या होती थी माइनस वन, तो ये भी सेम जैसे साइन का होता है वैसे ही वेव होता है और इसका भी रेंज इसके बीच में लाई करता है। तो इसका रेंज क्या आ जाएगा, रेंज फॉर कॉस थीटा माइनस वन से वन, मतलब कॉस थीटा हमारा लेस देन माइनस वन से लेके वन के बीच में लाई करता है, इतना क्लियर है। तो मतलब हमारी कौन सी वैल्यू नहीं आएगी, ये वाली ये, क्योंकि ये क्या हो रहा है फाइव वन से बड़ा हो जा रहा है तो ये नॉट इक्वल टू आएगा, ये वाली वैल्यू आएगी। तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू वन बाई टू, दैट इज अवर परमिसिबल वैल्यू, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर सेवन और एट की तरफ। सेवन में क्या बोला हुआ है और एट में भी सेम ही चीज है, फाइंड द एक्यूट एंगल सच दैट, हमें एक चीज दे दी है वो उससे हमें एक्यूट एंगल निकालना है। तो एक्यूट एंगल सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जो भी एंगल 90 डिग्री से कम होता है उसे हम लोग एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो एक्यूट एंगल मतलब कहाँ पे हम लोग लाई करेगा, हम लोग हमेशा हमारे जो आर्म है यहाँ से गिरना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में जाते हैं तो हमारा पॉजिटिव एंगल होता है, तो एक्यूट एंगल हमारा हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही आएगा, उसके बाहर नहीं जाएगा, तो इतना ध्यान में रखना है। तो एक्यूट एंगल हमेशा 90 डिग्री से कम रहेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर सेवन को देखते हैं, क्या दिया हुआ है हमें, टू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू थ्री साइन थीटा। यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, थीटा यानी कि एक्यूट एंगल फाइंड करना है। कैसे निकालेंगे, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर ध्यान दोगे ना तो कॉस स्क्वायर थीटा ऐसा टर्म है जिसको हम लोग साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे, आईडीडीएस का इस्तेमाल करके, लेकिन साइन को हम लोग कॉस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, हमें कोई फार्मूला याद नहीं आ रहा, तो हम लोग क्या करेंगे इसको सिंपली कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करूंगा मैं, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है। साइन को उधर पर रखा इसको वहां पर भेज दिया, या फिर कॉस को उधर पर रखा साइन को वहां पर भेज देता, हमें ये फार्मूला मिल गया, सिंपल है यहां तक। अभी मैं क्या करूंगा, टू से मल्टीप्लाई, तो टू माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू थ्री साइन थीटा। ध्यान दोगे तो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सब बन गया, तो टू साइन स्क्वायर थीटा को वहां पे भेजा पॉजिटिव ही हो गया, प्लस थ्री साइन थीटा इधर ही रह गया और ये टू सट जाएगा तो माइनस टू इक्वल टू जीरो। अब ध्यान दो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहाँ पे मेरा एक्स क्या है, एक्स जहाँ पे साइन थीटा दिया हुआ, एक्स मेरा वेरिएबल होता है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, टू टू जा फोर, ठीक है, मुझे मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे माइनस माइनस फोर मिलना चाहिए, मेरे को दो ऐसे नंबर ढूंढने जिनका मल्टीप्लीकेशन माइनस फोर होता है। तो पहला टर्म क्या होना चाहिए, प्लस में प्लस माइनस, दूसरा टर्म माइनस में, और दोनों के बीच में हम लोग ऑपरेशन क्या करना है, प्लस माइनस माइनस का ऑपरेशन करके हमें थ्री लाना है और मल्टीप्लीकेशन वाला मतलब मल्टीप्लाई करके हमें माइनस फोर लाना है। तो मेरे पास देखो टू टू जा फोर होता है और फोर वन जा फोर होता है, तो अगर ध्यान दोगे ना तो मेरा यही वाला फॉलो करेगा, ये फॉलो नहीं करेगा। देखो टू और में से टू जाएगा तो जीरो हो जाएगा, तो वो मुझे चाहिए भी नहीं, सिंपल है यहाँ पे। तो मुझे फोर वन से फोर अप्लाई करना है और फोर माइनस वन कर देंगे तो मुझे प्लस थ्री भी मिल रहा है, तो मेरा यही अप्लाई होने वाला है यहाँ पे। सिंपली मैं क्या करूँगा, बाकी वैल्यूज जो मैंने यहाँ पे स्प्लिट की उसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा, इधर पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा वन साइन थीटा यानी कि साइन थीटा माइनस टू इक्वल टू जीरो। आप मैं क्या करूँगा, टू यहाँ से कॉमन, टू साइन थीटा कॉमन आया, यहाँ पर से साइन थीटा बचा प्लस टू माइनस, यहाँ पे वन कॉमन आएगा माइनस वन साइन थीटा प्लस टू, अब साइन थीटा प्लस टू कॉमन और यहाँ पे टू साइन थीटा प्लस वन, टू साइन थीटा माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो साइन थीटा प्लस टू इक्वल टू जीरो, दूसरा टू साइन थीटा इक्वल टू सॉरी माइनस वन इक्वल टू जीरो, हमें दो इक्वेशन मिल गए। सिंपल हमें यहाँ पे लिखना है उसे, साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस टू आ गया और यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन थीटा माइनस वन उस साइड जाएगा तो प्लस वन और टू यहाँ पे मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा। सिंपल दो वैल्यूज मिली,
कौन सी वैल्यू सिलेक्ट करनी है, क्योंकि साइन थीटा हमें पता है साइन थीटा का रेंज क्या होता है, माइनस वन से लेके वन तक। अब ध्यान दोगे तो टू माइनस टू क्या हो रहा है, इसके बाहर चला जा रहा है, तो ये कंसिडर नहीं करना है। अब माइनस सॉरी प्लस वन बाई टू, प्लस वन बाई टू मतलब 0.5, तो ये हाँ वन से कम है, माइनस वन से बड़ा है, तो मेरा ये वाला कंसिडर करना है। देयर फॉर साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1/2। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब साइन थीटा इक्वल टू 1/2 आ गया। अब साइन थीटा की कौन सी वैल्यू हमें 1/2 देती है, तो हमें ये पता है कि कौन सी साइन 30 और दूसरी साइन थीटा, और कौन से क्वार्टर में पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वार्टर में। लेकिन मैंने जस्ट अभी बताया मुझे क्या फाइंड करना, एक्यूट एंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल कभी फाइंड करने बोला तो हमें पाए माइनस थीटा वाला टर्म नहीं लेना है, ठीक है, नहीं लेना है कभी भी एक्यूट एंगल में। तो यहाँ पर हमारा थीटा का वैल्यू हम लोग कंपेयर करेंगे, तो थीटा क्या हो गया 30 डिग्री, और अगर हम लोग को रेडियंस में लिखना है तो थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 6 रेडियंस। यहाँ तक क्लियर है। सेकेंड वाला भी सेम इसी तरीके से, देखो कैसे करना है, 5 टैन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इज इक्वल्स टू 9 sec थीटा, ठीक है। अब देखो कि ध्यान दोगे ना तो sec थीटा को हम लोग 10 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, 10 को sec में कर सकते हैं, क्योंकि पता है हमें 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूँगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 3 इक्वल टू 9 sec थीटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाला है यहाँ पर भी, 5 sec स्क्वायर थीटा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 5, इधर प्लस 3 वाला टर्म वैसे के वैसे ही, इधर पर 9 sec थीटा, 9 sec थीटा को यहाँ पे ले लो, और माइनस 5 प्लस 3 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2 हो जाएगा, तो 5 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 sec थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, 5 2 सा 10 मतलब माइनस 10 क्योंकि माइनस 2 है, पहला टर्म माइनस, माइनस माइनस प्लस, सेकंड टर्म प्लस, और दोनों के बीच में ऑपरेशन किया माइनस प्लस, माइनस करके हमें माइनस 9 लाना है और मल्टीप्लाई करके हमें माइनस 10 लाना है, तो 2 5 से 10 होता है और 10 1 से 10, हमें यही दो इक्वेशन मिल रहे हैं, ठीक है। अब दोनों को माइनस डाल दो, सॉरी पहला टर्म क्या माइनस, दूसरा टर्म क्या है प्लस, तो हमें माइनस 10 मिल रहा है। अब दोनों के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म कर लो, ये क्या होगा माइनस 9, हाँ तो हमें माइनस 9 भी यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। तो इधर पर माइनस 10, यहाँ पे 1। नहीं समझ में आता एक बार फिर से रिवाइंड करके देखो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो 5 sec स्क्वायर थीटा माइनस इधर पे क्या है 10 आ जाएगा, देखो स्प्लिट करना है हमें ऐसे, sec थीटा प्लस sec थीटा प्लस सॉरी माइनस 2 इक्वल टू 0। अभी 5 sec कॉमन आ जाएगा, ठीक है, 5 sec कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, sec बचेगा यहाँ पे सिंपल, और इधर पे माइनस 1, ठीक है, sec और सॉरी माइनस 2 बचेगा, प्लस इधर पे भी इधर पे प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, sec माइनस 2 इक्वल टू 0, 5 sec थीटा प्लस 1 और यहाँ पे sec थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0, दो वैल्यूज मिली, 5 sec थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 और sec थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0, दो वैल्यूज मिल गए। अब इसके आगे देखते हैं, दो वैल्यूज मिली, अब हम लोग क्या करना है, देखो 5 sec थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 1, sec थीटा क्या हो जाएगा माइनस 1/5, सिंपल है यहाँ पे। सेकंड वैल्यूज देखो, sec थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या, sec थीटा इज इक्वल टू 2। तो आपको इसका रेंज याद करना है, रेंज फॉर sec थीटा याद नहीं आ रहा है, एकदम सिंपल है, cos का वेव याद करो, बाकी अपने आपको अपने आप ही आ जाएगा, कॉस का ऐसे कुछ हुआ करता था, ठीक है। तो यहाँ पर इसका उल्टा जो ग्राफ बनता था ना, ये ऐसा, ठीक है। तो देखोगे ना, ध्यान दोगे, इसकी सारे वैल्यूज मिल रही है हमें, देखो रेंज हम लोग को सारा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी मिल रहा है, देखो इसका जो रेंज है ना माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और यहाँ पे मैंने सर्कुलर ब्रैकेट क्यों डाला, क्योंकि ये मेरा माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी वैल्यू मुझे पता नहीं है, ठीक है। अब इसमें कौन सी वैल्यू इंक्लूड नहीं हो रही है, देखो माइनस वन, ये वाला माइनस वन तो इंक्लूड होगा और प्लस वन भी इंक्लूड होगा, उसके अलावा जो वैल्यू हो रही है वो इंक्लूड नहीं हो रही, तो हम लोग क्या करेंगे सिंपली इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो माइनस, अगर मैं ऐसा ब्रैकेट डालूं और माइनस वन और वन ऐसा लिख दूं, तो मेरी ये दोनों वैल्यू सब्सट्रैक्ट नहीं होंगी, वाली वैल्यू इंक्लूड होंगी, तो ये मेरा इसका क्या आ जाता है, रेंज आ जाता है। अब रेंज को समझो, हाँ sec थीटा क्या, माइनस 1/5, अब माइनस 1/5 देखोगे ना, 1/-1/5 मतलब 0.2 माइनस में, तो ये कहीं पे यहाँ कहीं पे आएगा, तो वो sec वाले के इसमें आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, ये तो cos वाले में आता है इधर वाला, ठीक है। तो sec वाले में नहीं आ रहा है, मतलब मैं ये वाला वैल्यू इंक्लूड नहीं करूंगा, sec थीटा इज इक्वल्स टू 2 पकड़ूंगा,
ठीक है। अब sec की कौन सी वैल्यू 2 होती है आपको याद होगा? हाँ मुझे याद है, sec थीटा की वैल्यू मुझे पता है कौन सी वैल्यू पे 2 होती है, 30 पे, नहीं सॉरी 30 नहीं 60 पे, क्योंकि देखो cos 60 इज इक्वल टू 1/2 होता है, उसका रेसिप्रोकल ले लो तो sec 60 क्या हो जाएगा इज 2, सिंपल है यहाँ पे। अब sec 62 है, दोनों कंपेयर करोगे तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 60 डिग्री, सिंपल एकदम। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे जहाँ पे हम लोग कुछ और नए क्वेश्चन समझेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।